ये क्या करवा लिया तुमने? अरे हम दोनों दरवाजे के बाहर जा रहे थे तो मेरी टांग फिसल गई और मुझे इतनी बड़ी चोट लग गई और अब तो मैं अपने पांव पर खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ। ओके रिलैक्स, बैठो बैठो, लेट मी चेक। देखो अंदर कोई है? Excuse me, कोई है? ये दरवाजा नहीं खुल रहा यहाँ पे। Excuse me. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। Hello, anybody outside? Thank you. Owner. Thank you. वो actually दरवाजा थोड़ा सा अटक गया था, मैं फंस गया था अंदर, but तुम यहाँ। It's okay. वैसे भी तुम हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह पर फंस जाते हो, है ना? Excuse me? मैं तो बस ये कह रहा था कि it's a surprise to see you here. Well, surprise तो मेरे लिए भी तुम्हें यहाँ पर देखकर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पूर्वी के साथ यहाँ पर आया हूँ, उसे कुछ काम था। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली जिसका संगीत है वो इज अ डियर फ्रेंड, तो उसी ने बुलाया था मुझे यहाँ। ओके, तो फिर तुम जाओ, संगीत को एंजॉय करो। या आई शुड, तुम नहीं आओगे? अब मैं आता हूँ, मैं वॉशरूम जा कर। ओके, बी केयरफुल द डोर। या मैं तुम दोनों को और यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, प्लीज़ यहाँ से चले। मैं गलत समझ रहा हूँ? Yes, of course, गलत समझ रहे हो। ऑनर, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? इसके पहले मैंने, I've never seen you like this, so, और क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, I know there is something जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। I mean, तुम पहले बता देते कि तुम भोपाल आने वाले हो तो फिर हम, I could have told you to join us, है ना? वैसे अर्जुन, एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे एक बात खल रही है इस चीज का कि काश तुम और ओवी, तुम लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होता तो आज तुम भी एंजॉय कर रहे होते मेरे और पूर्वी की तरह। अर्जुन, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? या वो असद जिसका संगीत चल रहा है अंदर, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। मैं मना नहीं कर सका, आना चाहता नहीं था बट आना पड़ा। मिस्टी, तुम्हारी वो फेथ हीलर मिली कि नहीं? फेथ हीलर? हाँ, एक्चुअली पूर्वी ने कुछ दिनों पहले पेपर में कुछ फेथ हीलर के बारे में पढ़ा था, तभी तुम लोग यहाँ पर आए हैं भोपाल में। उसी फेथ हीलर से आई का इलाज करवाना चाहती है। What? मैंने कहा इसे कि ये सारी चीजें बकवास होती है, सब ढोंगी होते हैं, पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन सुनती कहाँ है। एनीवेज, अब मिली तो है नहीं तो मुंबई वापस चलना पड़ेगा हमें, चलें? ऑनर, कम से कम एक कोशिश और कर सकते हैं ना हम लोग। अरे बिस्टी, हम ढूंढ तो लिया है उसे, कहाँ दिख रही है वो? प्लीज ऑनर। चलो ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और बार ढूंढ लेते हैं उन्हें। वैसे अर्जुन, तुम क्या यहीं रुक रहे हो? नहीं, मैं संगीत खत्म होने तक यहीं रुकूंगा, उसके बाद पहली फ्लाइट पकड़ के मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। ओके, सी यू। आओ मिस्टी। क्या बात है डॉक्टर गौरी, अभी तक आप गई? सर, वो मिसेस देशमुख की कुछ फाइल्स देखने आई थी। ओके, यू कैरी ऑन, मैं चलता हूँ।
यस डॉक्टर। सर वो मुझे आपसे मिसेस देशमुख के केस के बारे में कुछ बात करनी है। डॉक्टर गौरी आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम मिसेस देशमुख का केस। सर मैं जानती हूँ कि मिसेस देशमुख का केस मरियम के केस से जुड़ा है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मरियम के केस को ही सामने रख के मिसेस देशमुख का केस हैंडल कर रहे हैं। लेकिन सर एक बार तो मिसेस देशमुख के घर वालों के बारे में सोचिए। सर इस एक्सपेरिमेंट से उन सभी रिश्तों को एक नई जिंदगी मिलने वाली है जो अर्चना जी के कोमा में जाने की वजह से थम से गए। सर मिसेस देशमुख के घर वालों को इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि अर्चना जी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कोमा से बाहर आ जाएंगी। और वैसे भी कब तक आप मरियम के केस की सच्चाई उन सबसे छुपाएंगे? क्या उन्हें सब कुछ सच सच बताना हमारा फर्ज नहीं है? डॉक्टर गौरी प्लीज स्टॉप गेटिंग इमोशनल प्लीज। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से इमोशनली अटैच हो जाता मालूम क्या होता है फिर? वो अपने पेशेंट का इलाज नहीं कर पाता। इलाज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। रिलैक्स डॉक्टर गौरी रिलैक्स। जब तक मरियम रिकवर नहीं हो जाती हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एक बार मरियम कोमा से बाहर आ गई फिर हमारा अगला स्टेप जो होगा वो होगा मिसेस देशमुख का इलाज, उनका केस। लेकिन सर आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि हर पेशेंट डिफरेंट होता है, हर पेशेंट ट्रीटमेंट पे डिफरेंट रिएक्ट करता है। कुछ पेशेंट्स उस ट्रीटमेंट पे रिएक्ट कर पाते हैं और कुछ नहीं, और ये सब डिपेंड करता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री पर। इसीलिए हमें हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करने के बाद ही उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सर ये सब कुछ आप ही ने मुझे बताया है और आप ही भूल रहे हैं। सर आपकी वो पेशेंट जिनीलिया, सर वो भी तो आपके इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ठीक हुई है। आई नो कि मरियम इज सिंकिंग टुडे, बट आपके इसी एक्सपेरिमेंट के कारण जिनीलिया सक्सेसफुली कोमा से बाहर आई एंड शी इज कम्प्लीटली फाइन नाउ। और सर जब जिनीलिया कोमा से बाहर आई और जब उसने पहली बार अपने घर वालों से बात की, सर उसके घर वालों के चेहरे पे जो खुशी थी, मैं वही खुशी मिसेस देशमुख के घर वालों के चेहरे पे देखना चाहती हूँ। और फिर हम डॉक्टर होते भी तो इसीलिए है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू सर, सर आप प्लीज मिसेस देशमुख के घर वालों को सब कुछ सच सच बता दीजिए और अर्चना जी पे अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दीजिए। एंड आई एम श्योर कि दे ऑल विल अंडरस्टैंड। मिस्टर देशमुख से कहो मुझे आकर मिले। यस सर, मैं उन्हें अभी जाके बताती हूँ, वो अर्चना जी के ही साथ में। मिस्टर देशमुख बैठिए। थैंक यू मिस्टर मानव। ये हमने फैसला कर लिया है कि हम अर्चना जी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब आप रेडी? अब मेरी अर्चना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी ना? देखिए मिस्टर मानव, अर्चना जी का डॉक्टर होने के नाते कुछ बातें ऐसी जो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आई रियली डोंट नो इस ट्रीटमेंट के बाद अर्चना जी कैसे रिएक्ट करती हैं, ये एक्सपेरिमेंट उन पर काम करता भी है या नहीं। लेकिन डॉक्टर आपके एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी एक दो केसेस में सक्सेसफुल रहे हैं ना? लेकिन मेरी एक पेशेंट ऐसी भी है जिन पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। मानव यही एक रीजन था कि मैं अर्चना जी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेजिटेट कर रहा था, लेकिन आई थिंक नाउ वी शुड डू इट। हमें एक्सपेरिमेंट करने में देर नहीं करनी चाहिए। देखिए मिस्टर मानव, हर पेशेंट अलग होता है, ट्रीटमेंट के बाद अलग तरह से रिएक्ट करता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।